पहले एक कप ऑयल डालेंगे। एक दालचीनी, दो छोटी बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग, बादियान का फूल का दो टुकड़ा और 6 से 7 दाने ब्लैक पेपर और एक चुटकी जीरा। और कड़कड़ाएंगे इसको ऑयल में और अभी मिर्ची को थोड़ा बीच से कटिंग करेंगे। फिर अभी मिर्ची को मैंने काट लिया तो थोड़ा हम फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। मिर्ची थोड़ा सा फ्राई होगा, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, चूल्हे को मैं कम करूँगी। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, 4 टमाटर इसी भी मैंने इसमें डाल दी बड़े साइज की। चूल्हे को वापस तेज करूँगी। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में 1/2 चम्मच हल्दी में डाल रही हूँ इसमें, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच कुटेला मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी और नमक कसरे ज़रूरत। बाद में वापस चेक करेंगे। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 7 से 8 दाने। थोड़ा सा हम इसको भुनाई करेंगे 2 मिनट। 2 मिनट भुनाई किया। अब हम इसमें चने डाल देंगे 1 पाव उबला हुआ। एक पाव चने हमारा उबला हुआ ये भी डाल देंगे इस टाइम। अब थोड़ा इसको हम 10 मिनट दम पे देंगे। मिनट हो गया। अब हम इसमें ये देखें 4 दाने आलू बुखारे में डाल रही हैं इसमें खुश्क। आप लोग इमली भी डाल सकते हो और पपरिका पाउडर भी मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। चूल्हे को थोड़ा तेज़ करूँगी। और 2 गट्टी पालक को मैंने साफ किया है, इसको धोया है और 15 मिनट मैंने इसको उबाला है, फिर चाना है इसको, फिर मैंने इसको ब्लेंड किया। या तो आप इसको पीस लें, कूट लें। इसको भी इस टाइम डाल देंगे। 2 गट्टी पालक का ये बन गया हमारा 1 कप, इसको भी मिला देंगे। आज का रेसिपी हमारा चना और पालक का है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। इसको मिक्स करेंगे, 10 से 15 मिनट वापस इसको दम पे छोड़ेंगे ताकि सही तरीके से ये तैयार हो जाए। चूल्हे को मैं कम कर रही हूँ, 15 मिनट दम पे देंगे। तो गए दम पे, चेक करेंगे। देखें माशाल्लाह कितने मज़े की बने हमारे चना और पालक। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, लाल कलर की मिर्ची नहीं गोल वाला, उसको मैंने देखें फ्राई किया। इसको हम तड़का लगाएंगे, इससे क्या है और मज़े के होंगे। अब हमारा चना पालक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखें कितनी मज़े की बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी है।
अब मुझे इजाज़त दें ढेर सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।